जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मोनी बाबा मंदिर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। लगातार शहर के विभिन्न इलाकों के धार्मिक स्थलों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। विगत दिनों लगातार दो बार कदमा थाना क्षेत्र के मंदिर में चोरी हुई थी और अब सोनारी थाना क्षेत्र के प्रख्यात मोनी बाबा मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मंदिर के पुजारी के अनुसार चोरी लगभग देर रात 3 बजे के लगभग हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मंदिर के पुजारी ने कहा है कि चोर दीवार फांद कर अंदर आए थे और पुजारी के रूम में रखे नगद 7,000 रुपये पर हाथ साफ किया, जिसके बाद उन्होंने पुजारी के मोबाइल की चोरी की। वहीं चोरों ने दूसरी चाबी से अलमारी को भी खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए, जिसके बाद चोर वहां से फरार हो गए। वैसे मंदिर कमेटी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 26 तारीख की रात और 27 सुबह 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। एक अज्ञात चोर मंदिर में कैंपस में घुसता है। पहले वो रूम में घुसता है, रूम में घुस के पंडित जी का एक बैग भी रखा था, उसमें 2-3 हज़ार था और मेरे तकिया के नीचे कुछ खुदरा पैसा रखा था, लगभग 7-8 हज़ार रुपया था। उसको निकालता है, निकालने के बाद वो मंदिर के कमरा से बाहर एंट्री करता है, फिर पूरे मंदिर कैंपस में घूमता है। उसके बाद पंडित जी बाहर चौकी पर लेते थे, उनका मोबाइल था Redmi 7 Pro, उसकी कीमत 17-18 हज़ार रुपये थी। तो फोन भी ले गया, उसके बाद वो चोर चला गया। अलमारी में सामान होगा, चोर का तो काम ही है, जहाँ तक मौका लगेगा तहाँ तक तो प्रयास करेंगे। सब सोए हुए थे,